सो गाइस हम लोग मेला से वापस आ रहे थे तो रास्ते में मिला कबूतर, देख सकते हैं गाइस कबूतर कबूतर बोलते हैं भैया कबूतर, एक्चुअली हम लोग इसको नहीं मारते हैं, रास्ते में पड़ा था कोई, इसको चोट पहुंच रहा था और ये गिरा हुआ रास्ते को पता हम लोग उठा के ले आए हैं, भगवान का देन है सब कुछ भैया। तो अभी हम लोग इसको बना रहे हैं, देखिए ये सांख नदी के किनारे बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है गाइस, देख सकते हैं। तो इसका हम लोग टूर जा रहे हैं भाई लोग, फिर इधर देख सकते हैं पत्ता, इसमें इसको पत्ता पूरा करेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है गाइस। देखिए पहले मैं इसको धो के लाता हूँ पत्ता को, तो अभी आग लगाया जा रहा है इसमें, इसको थोड़ा इसमें सेकेंगे ताकि इसका स्वाद और भी दोगुना बढ़ जाए, सौंधा वाला स्वाद बढ़ जाए, इसलिए वो जो देख रहे हैं ना कबूतर उसको इसमें सेकेंगे अभी, सिखा लेंगे वीडियो में लोग। देखिए आग जल चुका है, आग लग चुका है इसमें, देखिए देखिए इसको बढ़िया तरीके से सिखाया जा रहा है इसको गाइस। ये कबूतर जो है ये बहुत ही टेस्टी लगता है, कुछ ही नहीं लगे खिला हम जो सकता लगता है मिला देखा नहीं वैसे इसको अभी बढ़िया तरीके से धोएंगे सांख नदी में, झोलने वाले का काम खत्म हो चुका है, अभी इसको धोएंगे बढ़िया से। देखिए इसमें अभी धुला जा रहा है, इसको देख सकते हैं भैया जी धो रहे हैं, ये बहुत ही एक्सपर्ट है इस सब चीज़ में, ये सब चीज़ों में देखो। तो इसमें गए हम लोग अभी नमक डाल रहे हैं, फिर मिर्चा हल्दी कुछ नहीं डालेंगे दोस्तों, देखिए पत्तर पड़ा, इसमें कोई मसाला नहीं है, इसको बढ़िया से इस तरह इसको मिलाना है ताकि बराबर नमक नमक सब तरफ रंजेगा, मिल जाएगा फिर खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। देखिए गाइस फटाफट, हाँ अभी थोड़ा पत्ता सा दीजिए, धोबा का पत्ता इधर है जी, इधर ना, इसमें हल्दी है ना मसाला कुछ नहीं है, ओनली सिर्फ और सिर्फ नमक और मिर्ची गाइस, यही है असल पत्तर पड़ा। इसको अभी पत्ता से लपेटेंगे, लपटेंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा पकने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई, कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वही 15 मिनट में हो जाएगा दोस्तों। और ये पत्ता जो है ये फरसा का पत्ता है, यहाँ पे दूसरा पत्ता मिला नहीं, हम लोग खाली जामुन ही जामुन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे बहुत मुश्किल से फरसा का पत्ता मिला है, इसको बढ़िया तरीके से लपेटा जा रहा है पत्ता से। देखिए गाइस इधर हम लोग को तार मिला है, इसको तार से बढ़िया तरीके से बांधेंगे ताकि गोश्त जो है इधर उधर नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो गैस देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया तरीके से पक चुका है, अंदर की लाता नहीं आते, बेसुमला नहीं आता।